श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, 31 मई को साल की सबसे बड़ी एकादशी है। आप चाहे पूरे साल भर एकादशी में व्रत पूजन नहीं कर पाए हो, लेकिन आप इस एकादशी को अगर व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपको उसका पूरे साल के एकादशी के का फल मिलेगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। आपके जो पाप कर्म है क्षय होंगे और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे, महादेव आपसे प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस दिन आपको किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी के पत्ते भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए, और आपको इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस दिन एकादशी के दिन जो चावल का खाते हैं वो अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बनते हैं। एकादशी के व्रत और पूजन का पुराणों में भी बहुत अधिक महत्व बताया है। तो इस दिन आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक लोटे जल का उपाय आप कर सकते हैं। आपको एक लोटा जल, शुद्ध जल लेना है अपने घर से, और उसमें 7 बेलपत्र लेने हैं। आपको बेलपत्र पहले से ही रख लेने हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप मंदिर में जो शिवलिंग पे चढ़ाए हुए बेलपत्र होते हैं उन्हीं को वापस साफ करके ले सकते हैं। बेलपत्र कटे फूटे नहीं होने चाहिए। आपको क्या करना है, बेलपत्र एक लोटे में डाल देना है और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए जल अर्पित करना है शिवलिंग पे, और एक एक करते हुए बेलपत्र आप शिवलिंग पे अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र 7 बार बोलें। बेलपत्र चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोले, बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास ये आर्थिक तंगी है, लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, तो आप मुझ पर कृपा करें, मेरे जो दुख संकट है आप दूर करें, तो आपका दुर्भाग्य है सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो आप ये उपाय आपको अवश्य करना है। और दूसरा, ये सब आप जल अर्पित करने के बाद सब कुछ करके आपको स्वधा 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 ये शब्द आपको 3 बार वहाँ बोलना है। इससे आपके जो पितृ दोष है वो समाप्त हो जाएंगे और इससे आपके पुण्य फल बढ़ेंगे। ये आपको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप ये इसको आप अवश्य करें। इससे आपके जो भी पाप कर्म है क्षय हो जाएंगे और आपका दुर्भाग्य है सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। आपके अच्छे दिन आ जाएंगे और आप अच्छा महसूस कर सकेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, और प्रदीप जी मिश्रा जी के बताए ऐसे और उपाय जानने के लिए मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।